हेलो गाइस, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे पर्सोनल प्रोनोमन इन नोमिनेटिव, कि पर्सनल प्रोनोमन नोमिनेटिव कौन से वाले होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड एक डेमो फ्री है, आप एक डेमो ले सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वॉन्ट टू डू इट और नॉट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल प्रोनोमन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनोमन या सब्जेक्ट प्रोनोमन या सब्जेक्ट प्रोनोमन क्या होते हैं। प्रोनोमन होते हैं प्रोनाउंस, पहले मैं लिख देती हूँ, पर्सोनल प्रोनोमन। पर्सोनल प्रोनोमन हो गया पर्सनल प्रोनोमन, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में होता है आई, यू, ही, शी, इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन भी इनको कहा जाता है। तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो मैं, तुम, ये हमारे हिंदी में हो गया। तो अभी नोमिनेटिव, जैसे कि मैंने बोला था नोमिनेटिव, तो नोमिनेटिव का मतलब हो गया जो सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं, राइट। मतलब सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहा जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लिखती हूँ इश, पहले होते कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या होता है मैं वो बता देती हूँ। पहला है इश, देन है दू, देन है एयर, जी स्मॉल एन एस, एंड एक है जी कैपिटल। देन प्लूरल में क्या है, वियर, ईयर, जी स्मॉल अगेन, एंड यहाँ पर अगेन जी कैपिटल। तो ये सिंगुलर वाले हैं और ये प्लूरल वाले हैं। तो सिंगुलर में क्या होता है, इश का मतलब होता है आई, आई मतलब मैं, डू मतलब तुम या तू हिंदी में अगर बात करें, और अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो यू इनफॉर्मल। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो यू यू होता है, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई हमसे बड़ा है, फॉर्मली भी हम यू बोलते हैं, इनफॉर्मली भी हम यू बोलते हैं, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में फ़र्क पड़ता है, यानी कोई हमसे छोटा होता है तो हम उसे तू करके बात कर लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा होता है तो हम आप करके बात करते हैं। जर्मन में भी वैसे ही होता है, तू और आप। तो ये जो है ये है तू, डू मतलब तू, यू इनफॉर्मल। ये जो मैंने आई एन एफ लिखा है ये बेसिकली इनफॉर्मल का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, राइट। ओके, ये है हमारा एयर, एयर मतलब ही, वो, जी मतलब शी, एस मतलब इट। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर चार तरह के जी हैं। पहले मैं सिंगुलर में बात करूँगी, सिंगुलर में आपको दो तरह के जी दिख रहे होंगे, एक छोटा जी और एक कैपिटल जी, राइट। एक छोटा जी दिख रहा है, कैपिटल जी। यहाँ पर ना जर्मन का रूल नंबर वन, जब भी हम इसकी ग्रामर, रूल नंबर वन ये है कि यहाँ पर ना कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं। लाइक एक रूल नंबर वन है कि जर्मन में नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ मतलब चेंज हो जाता है अगर हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। नाउन का मतलब ये हो गया कोई भी चीज़ का नाम, संज्ञा अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो, किसी भी चीज़ का नाम। इंग्लिश में क्या होता है, हम सिर्फ प्रॉपर नाउन को कैपिटल में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज किसी का नाम हो गया, या कंट्री का नाम हो गया, या जैसे टीना हो गया, इंडिया हो गया, वो हम कैपिटल लिखते हैं। टेबल, चेयर, वॉल, सुबह, शाम, इसको कैपिटल में नहीं लिखते। लेकिन जर्मन में ये भी कैपिटल में लिखा जाता है, यहाँ कोई भी नाउन होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, रूल नंबर वन। और दूसरा, यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर जी लिखे हुए हैं, एक जी कैपिटल वाला है, एक स्मॉल है, तो यह मीनिंग चेंज हो जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो स्मॉल लेटर वाला जी है उसको शी बोलते हैं, और कैपिटल लेटर वाले जी को आप बोलते हैं। आप मतलब यू फॉर्मल, डिफरेंस समझ में आया। सिंगुलर में आपको दो जी मिलेंगे, एक छोटा जी, एक कैपिटल जी वाला। तो जो स्मॉल जी है वो शी है, और जो कैपिटल जी है वो है आप। अब हम प्लूराल की बात करेंगे, प्लूराल में क्या होता है, वीयर होता है हमारा वी, वी मतलब हम लोग। ये है ईयर, ईयर क्या है, तुम लोग। ये प्लूराल की बात करें, यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात करें, जैसे वी में भी एक से ज़्यादा हो गया, उसमें मैं भी इंक्लूड हो गया। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं, टीना, मीना मार्केट जा रहे हैं, यानी कि हम मार्केट जा रहे हैं। अब ईयर हो गया तुम लोग, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड पर्सन, कि तुम लोग मार्केट जाओ। तो ये यू ऑल हो गया, बट इनफॉर्मल, राइट। ये जी हो गया स्मॉल जी, अगेन जी आ गया, ये है लेकिन दे मतलब वो लोग, और ये जी है आप लोग, यू ऑल
बट फॉर्मल। अब आप बोलोगे हमें याद कैसे होगा, याद करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ जो जैसे मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल इसको एज इट इज ही लिखना है। अब मैं आपको देखो याद कैसे करोगे, इश के सामने है वियर यानी कि इश का प्लूराल है, तो इश हो गया मैं और वियर हो गया हम। दू का प्लूराल है ईयर, दू के सामने है ना ईयर, दू तो आपको याद है कि तू होता है, तो तू का प्लूराल क्या होगा, तुम लोग, सिर्फ लोग जोड़ दो, तुम लोग, तो ये यू ऑल हो गया। एक्चुअली बच्चों को इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है तो कई बार ईयर को दे कर देते हैं, तो ईयर दे नहीं है, ईयर कहाँ होता है, दू के सामने, तो दू होता है तू, तो उसका प्लूराल क्या हो गया, तुम लोग, तो ये हो गया यू ऑल। ये हो गया जी, देखो जी यहाँ पर भी प्लूराल में भी एक छोटा जी है और एक कैपिटल जी है, तो यहाँ पर जो देखो जो कैपिटल जी है ना उसको हमेशा समझो वो यू फॉर्मल रहेगा, चाहे वो इधर आए सिंगुलर में चाहे प्लूराल में आए, अगर सिंगुलर में आता है तो वो आप हो गया और प्लूराल में आए तो वो आप लोग हो गया, यानी कि जी कैपिटल तो आपको शॉर्ट हो गया, यानी कि आपको पता चल गया कि अगर मुझे कैपिटल लेटर में जी दिख रहा है तो वो आप, हम उसकी आप यू फॉर्मल की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर में आप की बात करें, प्लूराल में आप लोग की बात करें। लेकिन अगर हम स्मॉल जी की बात करें, सिंगुलर में दिख रहा है तो शी और प्लूराल में दिख रहा है तो दे है, वो लोग की बात करें, यानी कि जी में वो लोग का मतलब हो गया हम थर्ड पर्सन की बात करें और एक से ज़्यादा लोग हैं, लाइक टीना उन्मीना, जैसे मैंने बोला टीना उन्मीना आर गोइंग, तो ये टीना उन्मीना मतलब थर्ड पर्सन, तो ये दे एक से ज़्यादा की बात हो गई, यानी कि स्मॉल जी होता है शी सिंगुलर में और प्लूराल में दे होता है, और कैपिटल जी क्या होता है, कैपिटल जी आप होता है, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूराल में हो, सिंगुलर में है तो आप और प्लूराल में है तो आप लोग, तो जी कैपिटल, तो ध्यान में रखो कि हमेशा ये यू फॉर्मल है, बस जी स्मॉल की प्रॉब्लम आती है, तो जी स्मॉल सिंगुलर में शी होता है और प्लूराल में दे होता है। और याद करने का तरीका, दू के सामने ईयर है तो दू का प्लूराल हो गया, दू तुम होता है और ये तुम लोग हो जाएगा, एस ई एस में ही शी इट होता है जी और इसका प्लूराल स्मॉल जी तो ये दे हो गया, दोनों जगह स्मॉल जी है, एंड ये जी कैपिटल, जी कैपिटल, तो ये हमारे पर्सनल प्रोनोमन हो गए। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव का मतलब हो गया सब्जेक्ट, जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट प्रोनोमन है बेसिकली, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो हम जो अभी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट प्रोनोमन है कि ये सब्जेक्ट में, और अगर जर्मन में बात करूँ तो ये नॉमिनेटिव कहलाते हैं, जुबियक प्रोनोमन या पर्सोनल प्रोनोमन नॉमिनेटिव, तो ये जो अभी हमने किए सब्जेक्ट प्रोनोमन किए हैं कि ये क्या सब्जेक्ट, कैसे आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे, आई से, यू से, ही से, शी से, इट से, यू ऑल से, वी से, तो ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनोमन हो गए, राइट। नेक्स्ट टाइम हम कॉन्जुगेशन करेंगे और देखेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप नीचे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, आप लोग ये शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और मन करता है वीडियो बनाने का। सो थैंक यू वेरी मच।